जाओगे? कहाँ लेकर जाओगे? मैं जहाँ जावे मोर पिताजी कोरबा बोलवे कोरबा। बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको लेके आ गया हूँ बिलासपुर का हाईटेक बस स्टेशन। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिलासपुर बस स्टेशन से कहाँ कहाँ का बस मिलता है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, यहाँ से पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा, तो ब्लॉग पर आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो रायपुर वाला बस जा रहा है। बरनी पंडरिया वाला बस है। सभी बस यहाँ पे स्टैंड हुआ है, देख सकते हो आप मैकेनिक लगे हुए हैं। ये देख सकते हो बिलासपुर कवर्धा के लिए है। और ये जा रहा है मुंगेली वाला बस, कटगी से बिलासपुर, बिलासपुर से कटगी, बिलासपुर की धवरी, सारंगढ़, सरमंगला, किंदा डांड, रतनपुर वाले। क्या लड़ाई हो रहा है भाई लोग, देख सकते हो सभी बस यहाँ पे स्टैंड हुए हैं। गन्यारी बेलपान विजयपुर के लिए। और ये है पेंड्रा बिलासपुर से। और ये है बिलासपुर से रतनपुर टीकर खुर्दा, बिलासपुर से पेंड्रा मरवाही केंदा बसंतपुर। और भाई बिलासपुर से बैकिंडपुर पंडोपारा चिरमिरी गढ़वा गढ़वा नहीं लिया हूँ। हाँ चला कितना लगेगा? नहीं जाना नहीं है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। जाना नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ बस। वीडियो बना कितना लेते हो गढ़वा? नहीं मालूम है कौन। अच्छा यहाँ पे है टिकट काउंटर दोस्तों, जो कि मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बसें दिखा देता हूँ। बिलासपुर से लवन कहाँ लेकर जाओगे? कहाँ लेकर जाओगे? मैं जहाँ जावे मोर पिताजी कोरबा बोलवे कोरबा। कोरबा यहाँ से मतलब कितना है काका? कितना है काका? 125 डेढ़ सौ रुपये जा। नहीं कहाँ जाओगे? और ये रहा बिलासपुर से महासमुंद के लिए बस। और ये सब एसी वाला बस है, मेंशन तो नहीं किया गया है कहाँ जाएगा। तो बिलासपुर से सोन बोहारडी भरारी कहाँ जाएगा भैया बस? रायगढ़ मतलब कितना टिकट लेते हो यहाँ से? डेढ़ सौ रुपये ठीक है भैया। और ये वाला बस है बरगढ़ के लिए। और काका कहाँ जाएगा बस? बरगढ़ बिलासपुर से बरगढ़ कितना है टिकट? कितना है टिकट बिलासपुर से बरगढ़? क्या मालूम, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ 300 रुपये लगभग। लगभग 300 रुपये। अच्छा बिलासपुर सारंगढ़ बरमकेला सरिया मुलमुला रायपुर दुर्ग भिलाई वाला बस है। ये एसी बस जो कि अभी निकलने ही वाला है। और ये है सिमगा नांदघाट। कितना है यहाँ से रायपुर का टिकट? 250। 250 रुपये ठीक है भैया। और ये है एसी वाला बस। बिलासपुर से आप जय जयपुर भी जा सकते हो। जय जयपुर नवागढ़ देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया है। बिलासपुर से भुई गांव तनौद रसोटा पामगढ़। बिलासपुर से आप कवर्धा जा सकते हो। तखतपुर मुंगेली पंडरिया लगभग आपको यहाँ से सभी बसें मिल जाएगा। ये मुंगेली वाला बस छूट रहा है अभी। और ये है नवागढ़। तखतपुर मुंगेली पंडरिया
रखतपुर मुंगेली पंडरा गेवरा वाला बस जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे है रांची के लिए, बिलासपुर से आप रांची भी जा सकते हो, जसपुर जा सकते हो आप, सारंगढ़ जा सकते हो, कटघोरा, कोरबी, चिरमिरी जा सकते हो आप। और इस साइड है फल दुकान, कॉफी सेंटर है यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग ट्रेवल्स वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप। राजधानी ट्रेवल्स, नवाज बस सर्विस, सिंह ट्रेवल्स, नवाज बस सर्विस। कहाँ के लिए है ये? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, कानपुर। हाँ भाई भैया जी से आप कांटेक्ट कीजिएगा, प्रयागराज जाना है तो सर्विस, प्रयागराज जाने के लिए संपर्क करिए, नंबर आगे है, नंबर दे दिया हूँ, आप कॉल भी कर सकते हो, आप डिटेल ले सकते हो, ठीक है भैया। और ऑटो मिलता है या नहीं यहाँ पे? ऑटो मिलता है या नहीं? ऑटो बाहर मिलेगा ना, ऑटो स्टैंड पीछे साइड है। अच्छा, सामने बस है, पीछे ऑटो स्टैंड है। अच्छा ठीक है भैया, ऑटो जो है आपको पीछे में मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। सिंह ट्रेवल्स बिलासपुर से प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज जाना, लखनऊ, कानपुर, बांदा, मुंगेली, पंडरिया, डिंडौरी, कस्तूरिया, कांकेर से पटना जा सकते हो, आरा जा सकते हो, पीरो, बोधगया, शेरघाटी, हरिगंज, पत्थलगांव, कानपुर और पढ़ सकते हो आप। तो इस साइड है बस, बस स्टेशन देख सकते हो, और जस्ट इसके पीछे में है ऑटो, ऑटो स्टैंड, जो कि आइएगा आप, ये है ऑटो स्टैंड देख सकते हो। हाँ आएगा ना सवारी वीडियो देखकर, ठीक है। ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।